इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में जाएंगे देखिए ना एक तरफ भारत के जो जो डायस्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं नेटवर्क्स हैं उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे आफिया से देखिए वन वे और दी अदर पाकिस्तान ने फिर से एक बार पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पाकिस्तानियों का नाम रोशन किया है इन पाकिस्तानियों ने अमेरिका में जाकर यहूदियों का जो मंदिर था या जहां पर वो इबादत करते हैं पूजा करते हैं जो कुछ भी करते हैं उसमें जाकर मतलब आप समझ सकते हो एक टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की उस वहाँ पर कैद बना लिया बंधक बना लिया कुछ लोगों को और एक डिमांड रख दी कि पाकिस्तान की एक जो आतंकवादी है आफिया सिद्दीकी उसे छोड़ा जाए हालांकि सिचुएशन हैंडल हो गई और इसको लेकर अब दुनिया भर में पाकिस्तान फिर से मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है उसके बारे में करते हैं वीडियो के अंतिम भाग में बात प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के बाद और अपने सुझाव दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में अमरीका से एक खबर आई है कि अमरीका के अंदर एक सिनागॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमरीकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीजें ठीक हैं और ये जो खबर जब आई तो जारी बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से आफिया सदीकी इज आई थिंक अमेरिकन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन थी और इनको छियासी साल 86 सिक्स ईयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटैम्प्ट की मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर आफिया सदीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इशू रहा है और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक्य में इन्वॉल्व है यही वो शख्स है मोहम्मद सदीकी जिसको बाद में उन्होंने होस्टेज टेकर जो था था और इसको मार दिया गया है अब क्वेश्चन ये है कि ये पहले पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है गो के अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं अब ओवरऑल दहशत गर्दी के जो नेटवर्क थे यहाँ पर टूट गए हैं आ, लेकिन फिर भी आ, जो दाएं बाजू के मजहबी ग्रुप होते हैं या जो कई सियासी जमातें जो होती हैं मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज भी जो होती हैं आ, उनको सिचुएशन का पता होना के बावजूद लेकिन वो जो आवाम का पॉपुलर सेंटीमेंट होता है उसको खुश करने के लिए वकत की गवर्नमेंट के खिलाफ ये कंपेन चलाते रहते हैं और एंटी अमेरिकनिज्म काफी ज्यादा चलती रहती है अब ये जो बात है कि जो डॉक्टर आफिया सदीकी है उनके दो पहलू आ रहे हैं इस वक्त तो पाकिस्तान में ये ट्विटर ट्रेंड चल रहा है आफिया सदीकी का और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर बोले थे वो जमात इस्लामी बोली थी उस वक्त आई थिंक ज्यादा ये इशू हाईलाइट हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 थाउजेंड टू थाउजेंड तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म था उनकी जो बहन थी आफिया सदीकी की यहाँ पे उन्होंने भी बड़ा सियासत में भी हिस्सा लिया और कहा जी एंटी अमेरिकनिज्म रूस पे थी अफगानिस्तान में अमरीका जो था वो दहशत की जंग लड़ रहा था पाकिस्तान में दहा था तो यहाँ पे लोगों ने मैंने खुद मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि डेढ़ अरब मुसलमानों की बहन आफिया सदीकी जो है वो अमरीकी जेल में गल सड़ रही है और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है ये मैंने बैनर खुद आठ से आठ साल पहले या दस साल पहले या सात साल पहले कुछ साल पहले भी मैंने ये बैनर जो है वो पढ़े थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस चीज को हमें समझना चाहिए या ये जो चीज हमारे सामने वो है आपको याद है कि शायद या नहीं याद मैं बता देता हूं कि अभी भी मैं देख रहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है या फॉरेन पॉलिसी जो है वो उनको कहा करते थे लेडी अलकायदा ठीक है कि ये लेडी अलकायदा थी और शी वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अलकायदा को सपोर्ट किया अच्छा इसमें दो बड़े लोगों ने दो बड़े ग्रुप्स रहे एक ग्रुप वो रहा जिन्होंने कहा जनाब के नहीं ये तो uh, ऐसी बात नहीं है आ, और कहीं एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने कहा नहीं ये वाकई इन्वॉल्व है लेकिन वो ग्रुप पाकिस्तान में साइलेंट रहा उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्यादा इस्तेमाल किया मजहबी ग्रुपों ने इसको ज्यादा इस्तेमाल किया अभी जब ये बात आएगी गो के ये लड़का जो है सदीकी जो है ही पाकिस्तानी अमेरिकन तो है ही है आ, लेकिन यह है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये अब अमेरिकन है पाकिस्तान का इससे तो जारी बात है उस तरह का रेफरेंस नहीं है लेकिन जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हम जनरेट कर देते हैं जितना ज्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स लोगों के अंदर बना देते हैं और हम चीजों को लीगल पॉलिटिकल और मॉरल और इन चीजों पे नहीं लेके जाते उतना फिर ये होता है कि इस तरह के जो लॉन्व इंसिडेंट्स है वो हो जाते हैं अब ये जो बंदा है वो कहता है कि माफिया सिद्दीकी का भाई हूं और मैंने अब जो सिनेगॉग में लोग मैंने होस्टेज बनाए हुए हैं और ये है वो है अब प्रेसिडेंट बाइडन जो है Uh, उन्होंने भी कई दफ़ा इस पे कहा पूरी दुनिया ने कहा है जी कि हम एंटीसेमेटिज्म और ये जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है इसके खिलाफ जो है वो हम काम करते रहेंगे पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है लेकिन हमारे यहाँ यहाँ पे जो सियासतदान थे उन्होंने आफिया सद्दीकी के मसले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और कॉन्टिन्यूसली इसको पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है वो मसला बना के रखा जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक जो था वो जिसे कहते ना इसतराब एक पाया जाता था और ये चीजें जो है वो है ये तो दूसरी बात ये है कि अब देखिये हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि मैं देख रहा था कि कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन एक यूएस मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप है उसने भी इस तरह के वाकई को कंडेम किया है कि जो मुसलमानों के जो लड़के और लड़कियां हैं अगर वो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में जाएंगे देखिए ना एक तरफ भारत के जो जो डियाफोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं नेटवर्क्स हैं उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे भाई आफिया से देखिए वन वे और दी अदर। कोई एक वजह है या दूसरी वजह है शी हैज ए लिंक विद पाकिस्तान वन थिंग सेकेंड हमने बजाय इसके कि हम इसको प्रॉपरली कंडेम करते हैं क्योंकि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो गवर्नमेंट है टॉप लेवल उन्होंने अमेरिकन से से बातें भी की हैं ठीक है और लेकिन कोई हमें सलूशन uh, नहीं मिला uh, बहुत सारे इमरान खान ने भी बातें की नवाज शरीफ ने भी की तीन पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स आई हैं लेकिन किसी ने भी कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनी यही वजह है कि जो अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान से एक शकील अफरीदी जो थे तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म आपने देखा पाकिस्तान के कमर चीमा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे जो आफिया सिद्दीकी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके बारे में बहुत देखा है पाकिस्तान के जैद हामिद जैसे लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने एक ऐसी रिसर्च ऐसी रिसर्च कर ली थी जो कि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ये मुस्लिम ने कैसे ऐसी रिसर्च कर ली है इस वजह से इस पर टेररिज्म के एक्ट लगाकर इस मतलब आप समझ सकते हो शायद हमें जैसे लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो गाइज आपको बता दूँ ये मतलब कोई आम महिला नहीं थी ये न्यूरो neurosur, न्यूरोसर्जन थी आई थिंक न्यूरोसर्जन थी अगर मैं करेक्ट हूँ उसके बाद ये अलकायदा को ज्वाइन करती है तो समझ सकते हो आप कि भैया आप कितने भी पढ़े लिखे हो लेकिन वो जो जिहाद वाला वायरस है वो आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म उसके बाद आपके दिमाग में केवल यही है कि जिहाद करना है जिहाद तो समझ जाओ आप दोस्तों लादेन भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था तो ये पढ़े लिखे लोग जो 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 हैं ये बड़े स्तर के मतलब टेररिस्ट आतंकवादी बनते हैं छोटे मोटे तो बेचारे जाकर खुद फट जाते हैं तो आप समझ सकते हो तो गईज आप समझ सकते हो इसका कोई इलाज नहीं है और अगर इस तरीके के लोग अमेरिका में जाकर पढ़े लिखे लोग अमेरिका के नागरिक अगर इस तरीके की हरकत कर सकते तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कितनी ख़राब है और आगे क्या क्या हो सकता है इंडिया में तो आपको भी पता कि ऐसे ऐसे चीज़ें होने लगी हैं कि मतलब कई बार बहुत बड़े स्तर के ऐसे कांड करने की कोशिश की जाती है जैसे मतलब बड़े आसानी से हम सोचते हैं कि नेगलेक्ट कर देते कि ऐसा कुछ नहीं है ऐसा ये है वो है मतलब हर चीज़ में आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जिहाद का एंगल आ जाता है तो ये बहुत बड़े लेवल का जो जिहाद था कि मतलब अमेरिकन पाकिस्तानी इतने बड़े लेवल पर और इसको छुड़वाने के लिए आई ने दाएस ने मतलब इन सब ने ट्राई मारा है लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पर कह चुकी है ये हमारी बेटी है हम इसको छुड़वाएंगे इस तरीके की बातें वो भी कर चुकी है यूसुफ़ यूसुफ रजा गिलानी आई थिंक 2011 के आसपास उन्होंने ये बयान दिया था तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो